दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सम लाइक इट रेयर मूवी के बारे में। ये चैनल पर एक बार पहले से अपलोडेड है, पर यूट्यूब के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम इसे री अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे पहले की तरह फिर से सपोर्ट करेंगे, और अगर आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें विंसेंट और सोफी नाम के हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है, जो एक शॉप चलाया करते थे। लेकिन इस दौरान उनकी शॉप की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उनकी शॉप का मीट अच्छा होने के बावजूद उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। और इस दौरान जानवरों को मारने के खिलाफ कुछ लोग उनकी शॉप में घुस जाते हैं और उन लोगों पर अटैक करके वहां से भाग जाते हैं। फिर सोफी अपनी फ्रेंड स्टेफनी से मिलती है, जो उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम विंसेंट से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इस दौरान हमें पता चलता है कि स्टेफनी के हस्बैंड मार्क की कई सारी बूचर शॉप है, जिनसे वो काफी अच्छे पैसे कमाता है। इसी वजह से वो सोफी और विंसेंट को काफी बेइज्जत करता है, और इस बात से वो दोनों काफी गुस्से में थे। तभी सोफी विंसेंट से अलग होने की बात कहती है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नजर सड़क पर जा रहे एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर विंसेंट पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। इसलिए वो उसे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी पीछे करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो आदमी उनकी गाड़ी से कुचल कर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। हालांकि ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में भरकर वहां से ले जाते हैं, और ये फैसला करते हैं कि वो उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक देंगे। और जब ऐसा ही करने के लिए विंसेंट उसके बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है, तभी उस आदमी के कान का कटा हुआ एक टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और उसे दूसरा टुकड़ा भी खाने को देता है, जिसे वो बहुत ही स्वाद से खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंसेंट शॉप पर जाने के लिए लेट हो जाता है, तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ भी बेचा है। लेकिन वो कुछ बता पाती उससे पहले ही वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जो कहती है कि मुझे वैसा ही मीट और चाहिए जैसा तुमने मुझे अभी दिया था, क्योंकि उसका टेस्ट हमेशा से बहुत अच्छा है। ये सुनकर सोफी काफी हैरान होती है और विंसेंट से उस मीट को चेक कराने के लिए कहती है, जिसे खाने के बाद सोफी भी काफी खुश होती है, क्योंकि उसे भी उसका टेस्ट काफी पसंद आता है। इसलिए वो विंसेंट से पूछती है कि ये किस चीज का मांस है, तो वो बताता है कि ये ईरानियन पोर्क का मांस है। फिर उस लेडी के जाने के बाद सोफी विंसेंट से उस मांस के बारे में पूछती है, तो बताता है कि मैंने उस वेगन की डेड बॉडी को मीट में बदल दिया था, जिससे धीरे धीरे उसे लोगों को बेच सकूं, और ये वही मीट था। हालांकि विंसेंट उसे हटाने लगता है, लेकिन सोफी इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच हो जाती है, क्योंकि उस मीट की वजह से उनकी बिक्री काफी बढ़ गई थी। यहां तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी उनसे वो मीट लेकर जाता है। फिर रात में हम विंसेंट को देखते हैं, जो उस मीट को बनाकर खाने लगता है। तभी वहां पर सोफी भी आ जाती है। इस दौरान जब विंसेंट उस मीट को स्वाद से खा रहा था, तो सोफी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत टेस्टी है, और अगर हम इसे दुगने दामों पर भी बेचेंगे तब भी इसे लोग जरूर खरीदेंगे। नेक्स्ट सीन में सोफी और विंसेंट के पास उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड लुकस के साथ आती है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड वेगन है। इसी वजह से उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि वो एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है, तो वो लोग भी वेगन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह से वेगन हो, जिसे वो अपने मीट के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी उन्हें वहां पर होटल का मैनेजर दिखाई देता है, जिसका विंसेंट पीछा करता है। हालांकि विंसेंट उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके चिल्लाने पर वो घबरा कर वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है, जिसके बाद विंसेंट की वाइफ उसे समझाती है कि अगर हमें अपनी शॉप बचानी है तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वो लोग वेगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी मुलाकात किसी वेगन से हो सके। तभी वहां पर जोसुआ नाम के एक आदमी आता है, जो उन्हें अपनी वेगन टीम से मिलाने के लिए कहता है। इसलिए विंसेंट और सोफी उसकी बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि यहां पर वो लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसके साथियों को देखकर वो रुक जाते हैं। तभी उनकी टीम में मौजूद एक लड़की हेमेरा बताती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई, जिसके डैड की बहुत सारी मीट की शॉप है, और मैंने उनमें से एक शॉप की चाबी चुरा ली है। और जब विंसेंट को पता चलता है कि वो शॉप किसी और की नहीं बल्कि मार की है,
तो वो उन लोगों की टीम में शामिल होकर उनके साथ वहां चला जाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जानवरों के मास्क पहनकर शॉप में घुस जाते हैं और फिर मिलकर उस शॉप को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो उस समय उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, जिससे विंसेंट सोफी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी सोफी के पास रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है, जो सोफी से बात करता है, उसे घर तक छोड़ता है, साथ ही साथ वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सोफी को पता चलता है कि वो वेटर एक वेगन है, इसलिए वो उसे अपनी बातों में फंसा कर अपने घर तक ले जाती है। हालांकि ये देखकर विंसेंट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि हम इसे मार सकते हैं। और जब सोफी उस वेटर का ध्यान भटका रही होती है, तो उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आकर उस पर अटैक करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो वो विंसेंट से इस बारे में बात करने के लिए उसके पास पहुंचती है, तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर सोफी कहती है कि जब तक तुम्हें दूसरा अपार्टमेंट नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये बात सुनने के बाद जब विंसेंट रूम से बाहर जाता है, तो वो उस वेटर को देखता है जो पूरी तरह से नेग था, जिसे देखकर विंसेंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर रखे हुए एक फ्लावर पॉट से उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस वेटर की डेड बॉडी से मीट के टुकड़े निकालते हैं और बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेफी के पास उसके दोस्त स्टेफनी का फोन आता है, जो उसे अपनी शॉप के बर्बाद होने के बारे में बताती है। हालांकि वो लोग इस बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि उन लोगों ने ही वेगन टीम के साथ मिलकर उनकी शॉप में तोड़फोड़ करके आग लगाई थी। और क्योंकि अब विंसेंट और सोफी की शॉप बहुत ही तेजी से चलने लगी थी, इसलिए वो लोग एक एक करके नए नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस चीज को वो काफी इंजॉय करने लगे थे। फिर जब वो दोनों एक बिनी नाम के वेगन लड़के को मिलने के लिए बुलाते हैं, तो उसे मारने से पहले उस लड़के को उनकी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे वो भागने लगता है, लेकिन डर की वजह से विनी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी मार्क के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो उन्हें भी अपनी शॉप का मीट खिलाते हैं, जो मार्क को काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो विंसेंट से उस फार्मर के बारे में पूछता है जिससे वो मीट खरीदता है। लेकिन विंसेंट कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन हो, मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, जिस पर मार्क कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन कैसे हुए, क्योंकि पिछले साल तो हमने बहुत पैसा कमाया था, तुमने क्या कमाया था। इस पर विंसेंट कहता है कि हम लोगों को क्वालिटी वाला मीट खिलाते हैं, जबकि तुम उन्हें कुछ भी खिला देते हो। ये सुनने के बाद मार्क काफी गुस्सा हो जाता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और विंसेंट गुस्से में मार्क का कान काट कर चबाने लगता है, जिसे देख मार्क और स्टेफनी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, किस तरह से वो एक इंसान के मांस को चबा चबा कर खा रहा था। हालांकि विंसेंट उनका ध्यान भटकाने के लिए उस कान के टुकड़े को थूक देता है और कहता है कि तुम्हें और थोड़ा वेगन होना चाहिए। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों पिकनिक पर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि वेगन था, इस वजह से वो दोनों उसे भी मार देते हैं, जिसके बाद विंसेंट और सोफी एक वेगन पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर वो अपना अगला शिकार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात लूकस से होती है, जो उन दोनों को वेगन पार्टी में देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक अपनी शॉप बंद नहीं की है। साथ ही साथ लूकस ये भी कहता है कि बहुत सारे लोग वेगन मारे जा रहे हैं और ये बूचर लोगों की साजिश है, इसलिए हम इसके खिलाफ धरना देंगे, क्योंकि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। उनकी ये सारी बातें वहां मौजूद एक आदमी सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी एक वेगन लड़की को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, हालांकि वो बचकर भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे मार देते हैं। फिर जब रात में विंसेंट उस लड़की का मीट तैयार कर रहा होता है, तभी उसकी शॉप पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। हालांकि उस दौरान तो वो उसे किसी तरीके से वहां से भेज देता है, लेकिन ये देखकर वो काफी घबरा गया था, इसलिए वो सोफी से सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो कहता है कि हमने ये अपने काम और स्टोर को बचाने के लिए किया था, और अब हमारा स्टोर पूरी तरह से सेफ है, तो हम ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि हम पूरी तरह से साइको या फिर कैनिबल बन जाएं, क्योंकि अब मुझे जिंदा लोगों को भी देखकर उन्हें खाने का मन होता है। तभी उनके घर पर लूकस उनसे माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है। यहां पर सोफी चाहती थी कि विंसेंट लूकस को भी मार दे, लेकिन विंसेंट लूकस को भी वहां से भेज देता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा है कि हमारी बेटी इसे कितना प्यार करती है।
नेक्स्ट डे जब वो दोनों शॉप में पहुंचते हैं तो वहां पर आए लोग जब उसी पुराने मीट को मांगते हैं तो विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास वो मीट खत्म हो चुका है, जिस वजह से शॉप में मौजूद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद विंसेंट भी अपने डॉग के साथ शॉप से निकल जाता है और जब सोफी शॉप पर अकेली होती है तभी वहां पर वैगन टीम के मेंबर आ जाते हैं और सोफी को किडनैप कर लेते हैं। इधर जब विंसेंट उन लोगों की गाड़ी देखता है तो वो समझ जाता है कि उन लोगों को ये पता चल गया है कि सोफी और विंसेंट बूचर हैं। यहाँ पर वेगन टीम को ये सब कुछ बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वेगन पार्टी में मौजूद वही आदमी था जो उनकी बातें सुन रहा था। और फिर वो लोग जब सोफी को मारने वाले थे तभी वहाँ पर विंसेंट हथियार लेकर पहुंच जाता है और उन सभी पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि इस दौरान जोसुआ विंसेंट पर काफी भारी पड़ता है और उसे पीटने लगता है, साथ ही उसके हाथ में लिया हुआ स्क्रू ड्राइवर विंसेंट के सीने में घुसा देता है। लेकिन तब तक सोफी भी खुद को आजाद करके जोसुआ पर एक हुक से अटैक करके उसे मार देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ चुकी है, जिसे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी और मार्क है, क्योंकि उन्हें उसी दिन शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काट लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को उसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।